हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले गणपति बाप्पा के प्रिय मोदक की रेसिपी। तो इसे हम 5 मिनट्स में बनाने वाले, फटाफट से बनने वाले ये मोदक की रेसिपी है। तो आज के मोदक स्पेशली टूटी फ्रूटी मोदक हैं, और इसे बनाते टाइम हमें गैस की भी जरूरत नहीं है, ना मावा की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट। तो 2 कप मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। अगर आपके पास इस तरीके से डेसिकेटेड कोकोनट की पाउडर नहीं है तो आप क्या करें, जो आपके पास सूखे वाले नारियल है उन्हें लीजिए, और ऊपर का जो छिलका होता है ब्लैक कलर का उसे निकालिए। पूरी तरह से निकालना है और बाद में मिक्सी में इसकी पाउडर बनानी है लो, और बन जाएगी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। तो हमें यहाँ लेनी है टूटी फ्रूटी। तो यहाँ मैं 3 स्पून ले रही हूँ। तो आप एक ही कप या कटोरी का नाप लेके सभी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, बच्चे भी इसे बना सकते हैं और इसकी टेस्ट ज़बरदस्त है। आपने अगर इसे एक बार बनाया तो हमेशा आप बनाएंगे। तो यहाँ मैंने टूटी फ्रूटी भी डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो यहाँ मैं 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, इससे भी थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो इतना इनफ हो जाएगा इसके लिए। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे डालने के बाद। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, मिल्क मेड लिया है और टूटी फ्रूटी ली है। तो आप चाहे तो इसमें वैनिला एसेंस डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसमें कार्डमम पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी कार्डमम पाउडर इसमें डाल दी है। ऑप्शनल है डालना, क्योंकि अगर आपको दोनों भी डालना पसंद नहीं तो आप मत डालिए। जो हमने टूटी फ्रूटी डाली है उससे ही ये बड़ा स्वादिष्ट बनता है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे, सभी तरफ से मिक्स होना चाहिए। अगर आपको लगे ये थोड़ा सा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा 1 स्पून मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, बट इतना मिल्क मेड इसके लिए इनफ हो जाएगा, नहीं तो मिल्क मेड और 1 स्पून डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसके लिए हमें गैस की भी ज़रूरत नहीं है, ना मावा की ज़रूरत है। हम इसमें मिल्क मेड डालने वाले हैं तो उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो देखिए अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और थोड़ी देर हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने मोदक की रेसिपीज़ अपलोड कर दी है, अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं तो प्लीज़ देख लीजिए, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बहुत ही सिंपल तरीके की रेसिपीज़ होती है मेरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए अभी ये हो चुका है, इसका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके का रहना चाहिए। तो अब हम लेंगे मोदक का मोल्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मोदक बना रहे हैं तो देखिए इस तरीके का रहता है ये मोदक मेकर। तो इजीली आपको मार्केट में ये कहीं भी मिल सकता है, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। घी लगाने से क्या होता है कि ये जो मोदक हम बना रहे हैं वो चिपकता भी नहीं, और इसके ऊपर एक बढ़िया सी शाइन आती है और स्वाद भी बढ़िया आता है। सो इसीलिए हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। मोदक का जो मिक्सचर हमने बना के लिया है उसे इस मोदक के मोल्ड में अच्छे से फिल कर देंगे। थोड़ा भी गैप नहीं रहना चाहिए, अगर गैप होगा तो मोदक का जो शेप होता है वो अच्छे से नहीं निकल आएगा। सो इसीलिए दबा दबा कर हम इसे भरेंगे, अच्छे से भरना है, नहीं तो आप हाथों से भी इसे बना सकते हैं, मीन्स फिंगर से अच्छे से दबा के ले सकते हैं। अगर आप स्पून से सिर्फ दबाएंगे तो इवनली ये स्प्रेड नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं अभी ये सेट हो चुका है, हम इसे निकालेंगे। तो यहाँ से निकालना है, देखिए धीरे से इसे निकालना है। वाव, सुपर, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन इसके ऊपर आ चुकी है, और इसका स्ट्रक्चर देखिए कितना प्यारा सा दिख रहा है, और बीच बीच में जो टूटी फ्रूटी का कलर है रेड ग्रीन, वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके ऊपर जो लाइन्स बनी है वो देखिए मोदक के मोल्ड के ऊपर इस तरह से लाइन रहती है। मोदक का मोल्ड बहुत अलग अलग तरीके के मिलते हैं, अगर आपको इससे छोटा भी लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के शेप रहते हैं, मीन्स इससे छोटा सा रहता है, इससे बड़ा भी होता है, इससे पतला भी होता है। तो मार्केट में सभी जो मोदक के मोल्ड मिलते हैं उससे मुझे सबसे ज़्यादा यही शेप पसंद है, क्योंकि इस तरीके से हम जब मोदक बनाते हैं तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है इसे देखते टाइम। तो देखिए पहले हमने जिस तरीके से इस मोदक मेकर में इस मिक्सचर को भर दिया था, फिलिंग को भरा था, ठीक उसी तरीके से अभी भी हम इसे भर रहे हैं। ऊपर से थोड़ा दबाएंगे हाथों से और
फिर इसे धीरे से ओपन करना है। तो देखिए वाव सुपर, ये भी बहुत ही प्यारा सा निकल आया, इसकी डिज़ाइन भी देखिए। तो इसी तरीके से मैं सभी मोदक को फटाफट से बना लेती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही आसान मेथड है। तो आप जरूर इस मोदक को बनाकर देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखा ना फ्रेंड्स कितनी आसान तरीके से हम इस मोदक को बना सकते हैं। इसके लिए हमें गैस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी चीज़ को भूनना है, ना पकाना है, कुछ भी नहीं करना, फटाफट से मिक्स करना है और लो बन गए मोदक। इतना ये आसान तरीका है। तो फ्रेंड्स आगे मैं बहुत सारी मोदक की रेसिपीज़ अपलोड करने वाली, बहुत अलग अलग फ्लेवर के और इंस्टेंट जो फटाफट से बनने वाले मोदक हैं उनकी रेसिपी मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो डेली की वीडियोस देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो देखिए फ्रेंड्स सभी मोदक मैंने बना के लिए है। तो 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट से इतने सारे मोदक हो चुके हैं, तो करीब 7 मोदक हो चुके हैं, क्योंकि ये जो मोदक का मोल्ड है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर आपने इस मोदक को एक बार बनाया तो यकीन मानिए फ्रेंड्स आप हमेशा इस मोदक को बनाएंगे, इतने ज़बरदस्त टेस्टी मोदक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशा टेस्टी वर्ल्ड।